So hi everyone and welcome back once again to the series of government schemes. In today's session guys, we are going to discuss Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. बहुत लंबा नाम है, बहुत बट जितना लंबा इसका नाम है उतनी ही इजी ये स्कीम है. ऑलराइट, सो आज के सेशन में हम बात करेंगे पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम. लेट्स बिगिन विद द सेशन, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, Do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group. इसका link you will find in the description. और इस Telegram group पे आपको इस session की PDF में मिल जाएंगी after the completion of this session. And यहाँ पे आप अपने कोई भी doubts भी पूछ सकते हो. So let's begin with the session and let's try to simplify this particular scheme. And remember, guys, this is very easy scheme. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा difficult बातें नहीं हैं. दो चार चीज़ें हैं बस. जल्दी से खत्म करते हैं और फिर हम आपके हैं कौन. ऑब्जेक्टिव की बात कर लो. ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो इसके नाम से इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है. पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, चलो इसको हटा दो. फिर आ गया फॉर्मलाइजेशन ऑफ व्हाट? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. मतलब दो ही की वर्ड्स है यहाँ पे, एक तो फॉर्मलाइजेशन और दूसरा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. मतलब वन थिंग इज क्लियर दैट दिस स्कीम इज फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री. ओके, and what they are providing to the MFP enterprises, they are formalizing them. ठीक है, क्या कर रहे हैं? उसको formalize करने का काम कर रहे हैं. formalize करने का काम मतलब क्या? वो पहले informal थे, क्या थे? formalization का मतलब basically यहाँ पे है upgradation. so they are upgrading. ठीक है, they are upgrading the micro food processing enterprises across the country by providing them with the financial support, the technical support and the business support. तीनों टाइप का सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है. किनको? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को. ओके, एमएफपी एंटरप्राइजेस को. सो दिस गाइस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. वेरी इजी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट. फाइनेंशियल सपोर्ट भी है. टेक्निकल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. एंड इसके अलावा बिजनेस सपोर्ट में क्या है? दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड द ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो. ओके, तो तीनों तरीके का सपोर्ट, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री, तो यार मुझे तो नहीं लगता है कि मिनिस्ट्री याद रखने में इतनी मुश्किल होनी चाहिए, बिकॉज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं. सो द मिनिस्ट्री शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज हेडेड बाय मिस्टर पशुपति पारस. एंड पशुपति पारस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर. हाजीपुर कहाँ से पे है? बिहार में. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू अदर थिंग्स. फंडिंग पैटर्न, अगेन वेरी इजी फंडिंग पैटर्न, बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है. ठीक है, इसके फंडिंग पैटर्न में एक थोड़ा सा चेंज है. पहली चीज तो ये है दैट दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो ऐसा पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि ओके 60-40, 90-10 and 100%, बट ऐसा नहीं है. हल्का सा चेंज है. हल्का सा चेंज क्या है? 60-40 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, that is there. 90-10 between center and northeastern state as it is, but 60-40 between center and UTs with legislature. ठीक है, UTs, ऐसे UTs जिनके पास लेजिस्लेचर है, अगर कोई ऐसा UT है then in that case the ratio would be 60-40. और कौन कौन से UTs हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, please write down in the comments, write down the name of those UTs which have their own legislature. 60-40 होगा बिटवीन द सेंटर एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर, वाइल 100% विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस इफ यूटी के पास उसका अपना लेजिस्लेचर नहीं है. ऑलराइट, सो दिस गाइस इज द फंडिंग पैटर्न एंड आई होप ये आपको याद रहेगा. इसमें एक चीज और याद रखना, द टोटल आउटले फॉर दिस स्कीम इज 10,000 crore. ओके, टोटल आउटले कितना है? 10,000 crore है. 60-40 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, 90-10 बिटवीन सेंटर and northeastern states, and 60-40 between center and UTs with legislature, and 100-0 between center and UTs without legislature. Total outlay है इसका 10,000 crore. बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि total outlay बहुत ही अच्छे round figure में given है. 10,000 crore रुपए इसका total outlay है. What is the approach that they are following? ठीक है, micro food processing enterprise तो एक बहुत बड़ा sector है. So how they are approaching in developing the micro food processing enterprises? तो बेसिकली दे आर फॉलोइंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच फॉलो की जा रही है. सो
what government will do, what the what this ministry will do, the Ministry of Food Processing Industry, they will identify a single product for a particular district. Her district ke liye ek product identify hoga, and then that product will be developed with the help of this scheme in that particular district. Us ek product ko acche se develop kiya jayega us district mein, keeping in mind the existing clusters and availability of raw materials. Because if you are identifying any product for a district, or agar wahan pe us district mein, if in that district there is no availability of the raw materials for making that particular product, then ye to identification hi galat ho gaya na. अब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में आप कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो और वहां पे उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो ये कैसी आइडेंटिफिकेशन हुई? सो ऑफ कोर्स देयर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओनली देन दैट प्रोडक्ट कैन बी डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. सो व्हाट इज द अप्रोच दैट दे आर फॉलोइंग? इफ एनीवन आस्क यू कि भाई अप्रोच बताओ क्या है अंडर दिस स्कीम, सो द आंसर वुड बी व्हाट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. ओके, now talking about the capacity building and research part, so there are two institutes which works under the Ministry of Food Processing Industry. Number one is NIFTEM, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management. It is located in Sonipat, which is of course in Haryana. And another institute is Indian Institute of Food Processing Technology. It is located in Thanjavur, which of course in Tamil Nadu. Ye kahan pe hai? Thanjavur mein, aur ye kahan pe hai? Sonipat mein. So these two institutes are providing capacity building and research support to the micro food processing enterprises across the country, and which are the beneficiaries of this particular scheme. Now this is the expected benefit. Ye scheme pichle hi saal launch hui hai 2020 mein, so we should understand what will be the expected benefit of this scheme. So number one, the government is saying that the scheme is expected to generate a total investment of rupees 35,000 crores, a huge amount in this sector. Rupees 35,000 crore ka investment expect kiya hai government ne, and 9 lakh skilled and semi-skilled workers. Then they are also expecting that it will benefit 8 lakh units through access to training, research, collaborations, theek hai, capacity building. So 8 lakh unit aise hai jinko isme support milega through these areas, and nearly 2 lakh micro enterprises will get credit linked subsidy support. Credit linked subsidy support ke bare mein aage padhenge. Pehle benefit padh lo ki 2 lakh micro enterprises aise honge jinko credit linked subsidy support ke under benefit milega. So these are the expected benefits. Theek hai, ye expected benefits hai. aisa hoga is baat ki koi confirmation nahi hai. These are just the expectation of the government. Now let's talk about the things, guys, that you have to remember. So first of all, you have to remember the launch year 2020. Very easy to remember because it was launched during the announcement of Atmanirbhar Bharat package. So in fact it was the part of Atmanirbhar Bharat package. So it was launched in the year 2020 for a duration of 5 years, that is up to the financial year 2025. Financial year 2025 tak ka hi iska duration hai, and total outlay main aapko already bata chuka hu kitna hai, 10,000 crores. 10,000 crore is the total outlay, and in this year's union budget, इस साल का जो बजट है इसमें इसको कितना allocate हुआ है? 500 करोड़ रुपए. ठीक है, कितना allocate हुआ है इसको? 500 करोड़ रुपए. Now let's talk about the financial support. कि क्या financial support इसमें provide हो रहा है? तो number one is the credit linked capital subsidy. Credit linked capital subsidy मतलब the government is providing subsidy on the capital. Capital मतलब कौन सा capital? Infrastructure building, like warehouse बनाना है. ठीक है, like any micro food processing enterprise want to make cold storage houses, they want to make warehouses, they want to make common processing facility, they want to make labs for the processing. So for that, the credit linked capital subsidy would be provided by the government of India up to the maximum, how much? 35%. कितना मिलेगा? They can avail 35% subsidy of the eligible project with a maximum ceiling of rupees 10 lakh per project. Maximum कितना ले सकते हैं? 10 lakh रुपए या 35%. 35% subsidy ले सकते हैं. Let us say कि अगर किसी project की cost 1 crore रुपए है, ठीक है, project की cost कितनी? 1 crore रुपए, तो 35% will be how much? 35 lakhs. तो 35 lakhs नहीं मिलेंगे, they will get only 10 lakh rupees because there is a maximum ceiling on this 35%. But if let us say जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए ही मान लो, 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो सब्सिडी कितने की मिल जाएगी? 3.5 लाख रुपए, दैट इज 35%. ओके, इन दैट केस दे विल गेट 3.5 लाख रुपीज एज द
सब्सिडी। देन एसएचजीज के लिए भी इसमें है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर अ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इनिशियल फंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड कैपिटल? इट्स इनिशियल फंडिंग। सो इनिशियल फंडिंग ऑफ रुपीज 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर इज प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। नाउ दिस फंडिंग, दिस सीड कैपिटल इज प्रोवाइडेड फॉर द कैपिटल, फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स। वर्किंग कैपिटल के लिए और छोटे मोटे अगर कोई टूल्स खरीदने हो तो उसके लिए 40,000 रुपए दिए जाते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस सपोर्ट, सो दे आर प्रोवाइडिंग 50% ग्रांट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। नाउ दिस 50% ऑफ वॉट? सो लेट अस से देयर इज अ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एंड इट इज स्पेंडिंग रुपीज 1 lakh। ओके, इट इज स्पेंडिंग रुपीज 1 lakh ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50,000 रुपीज। ठीक है, 50% grant is provided to support for marketing and branding. Okay, so I hope this is clear. And now guys, do remember that this scheme was launched in the year 2020 in the month of June. So recently it has completed 1 year. So there is a huge chance ki isme se question aaye. Theek hai, bahut recent scheme hai, directly related hai NABARD se, because this is somewhat related to agriculture also. सो इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 year मिनिस्ट्री ने कुछ माइलस्टोन भी बताए थे कि देखो हमने 1 साल में ये अचीव किया है। ऑलराइट, सो यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्या क्या माइलस्टोन अचीव हुए हैं? सो दे आर सेइंग दैट अंडर द अप्रोच 1 district 1 product दे हैव अप्रूव्ड 707 districts। मतलब 1 district 1 product जो है 760 districts के लिए अक्रॉस 35 states and UTs वो अप्रूव कर दिया गया है। ऑलराइट, ODOP has been approved for 707 districts for 35 states and UTs. And then the GIS ODOP digital map. What is this? GIS ODOP digital map. It is to provide details of ODOP products of all the states and UTs. अगर आपको कोई डिटेल जानना है तो you can get those details through this GIS ODOP digital map, which is available on the website of Ministry of Food Processing Industry. Then there is a convergence. So the Ministry of Food Processing and Industry has signed 3 joint letters with the Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Tribal Affairs for the implementation of this particular scheme. And they also have signed an MOU with the Union Bank of India. That is very important question. Union Bank of India ke saath unhone ek MOU sign kiya hai as being for becoming the nodal bank for implementation of this scheme. And apart from Union Bank of India, they also have signed an MOU for with 11 other banks for becoming partners in the implementation of this scheme. Ab partner kaise? Bhai paisa dena hai na, paisa kaun dega? Bank hi to degi. Sarkar apne jeb se nikal ke kabhi bhi paise nahi deti. Sarkar hamesha banko ko bolti hai ki aap paisa do and then jo bhi subsidy hoga wo hum aapko denge. Theek hai? So an agreement with Union Bank of India has been signed for becoming the nodal bank for this particular scheme. And apart from this, they also have signed MOU with 11 other banks for becoming partner in this scheme. Now capacity building and incubation centers ki agar baat kare, so NIFTEM and IIFPT, as we have discussed, these two institutes have the responsibility of capacity building and research support to MFP enterprises. So they have prepared training modules on 137 ODOPs. 137 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार कर लिए हैं। एंड देर आर 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड इन द 17 states। 17 राज्यों में 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है। मूविंग अहेड टू अदर थिंग, सीड कैपिटल रुपीज 40,000 पर पर्सन फ्रॉम SHG, अभी हमने पढ़ा। सो अंडर दिस कॉम्पोनेंट ऑलरेडी रुपीज 25.25 crores हैव बीन प्रोवाइडेड टू द स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस। ठीक है, 25.25 crore रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इन दिस वन ईयर। एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए नाफेड और ट्राइफेड के साथ पार्टनरशिप करी है। MOUs have been signed with नाफेड एंड ट्राइफेड टू टेक अप द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट फॉर 10 products each। ठीक है, नाफेड और ट्राइफेड को बोला कि आप 10 products की जो है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का ध्यान दोगे और जो भी उसमें सपोर्ट देना होगा वो आप दोगे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट माइलस्टोन जो कि अचीव हुए हैं अंडर द स्कीम। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? टू अपग्रेड द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट टू द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री।
इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हेडेड बाय पशुपति पारस. दिस इज द फंडिंग पैटर्न. इट हैज नॉर्मल फंडिंग पैटर्न एक्सेप्ट वन थिंग, वेयर इफ देर इज अ केस ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर देन द फंडिंग रेशियो वुड बी 60:40 विद द टोटल आउटले ऑफ हाउ मच रुपीज 10,000 crores. बजटरी आउटले इस साल का कितना है? 500 crore rupees. The approach that they are following to implement this scheme is the one district, one product. Capacity building and research is being done by two institutes, NIFTEM and IIFPT. This is located in Sonipat and this is in Tanjavur, Tamil Nadu. These are some of the expected benefits. It was launched in the year 2020 with a duration of 5 years up to the financial year 2025. Credit linked capital subsidy, they are providing a subsidy of 35% of the project. Subject to a maximum ceiling of rupees 10 lakh for developing the infrastructure. Seed funding, they are providing rupees 40,000 per SHG member for small tools and working capital. ठीक है, और marketing and branding के लिए they are providing 50%. And these are some of the milestones that have been achieved in the previous 1 year in this particular scheme. और याद रखना, जून 2020 में launch हुआ था and budget में 500 करोड़ रुपए. All right. So this was about this scheme, guys, and now let's talk about the questions that can be asked in your exam from this scheme. How much amount has been allocated to PM FME in the Union Budget 2021-22? So this is how much? Rupees 500 crore. Very easy question. Option B is the answer. 500 crore rupees diye gaye hain. Question number 2. How much amount is provided to per SHG member as seed capital under PM FME? So that is how much? Rupees 40,000. And in the previous 1 year, they have provided rupees 25.25 crore rupees under this component. And question number 3. What is the funding ratio between center and respective UT government with legislature under PM FME? So that is how much? 60:40. Don't get confused, guys, please. 60:40 hai, yahan ka answer 100% nahi hai. If it is the UTs without legislature, then the answer would be 100% by the center. But the question is regarding UTs with legislature. So the correct answer would be option A, 60:40. And that's it for the scheme, guys. I hope the scheme is clear. And I am again telling you that this scheme, guys, is very, very important. Okay, so अच्छे से पढ़ लेना. PDF मिल जाएगी session के बाद, और session तो आपने देख ही लिया है. मिलते हैं कल एक नई scheme के साथ. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.